माने रहे हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सलीना हसन है। आज एक मैं छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ। जल्दी जल्दी मैंने हॉस्पिटल की तैयारी कर ली। क्या कर दिया, मैंने अपना एक लंच बनाया। बस मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ और बस पेट्रोल पंप से जल्दी जल्दी पेट्रोल भरवाया मैंने और हॉस्पिटल पहुंच। दिया तुमको? दिया, थैंक यू। इससे पहले ये डीटी रूम में चली, उससे पहले आप आ गए। बाथरूम का लाइट खुला रखना, जाऊंगी बोर्ड में। आपकी नाइट ड्यूटी थी क्या? अच्छा, आजकल आप नाइट कर रहे हैं? नाइट भी चल रही थी। अच्छा, नाइट तो मुश्किल हो जाती होगी आपको। तो आपको क्या देखना पड़ता है? सीएमएस देखना पड़ता है। अच्छा, रखना चाहिए। ठीक है, सामने बोलता आप। अच्छा, आपको ब्लड प्रेशर होता था? ब्लड प्रेशर, शुगर? तो शुगर का कोई इलाज नहीं करवाते थे? कौन सी टैबलेट खाते थे? हैं आपने दिल के अस्पताल में नहीं दाखिल? सिगरेट पीते हैं? पान, तंबाकू, नसवार? इनका ना ड्रॉप एक लीक किया। आपका थोड़ा सा हल्का फुल्का अटैक तो हुआ है। आपने शुगर भी कंट्रोल नहीं किया था। शुगर के लिए चलने फिरने में दर्द होता है, सीने में सांस फूलती है, सांस फूलती, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, हल्के हल्के खड़े। दिल का मसला है आपको, हल्के फुल्के ऐसा, क्योंकि आपने शुगर कंट्रोल नहीं किया ना, इस वजह से हुआ। वाइफ को ज्यादा बताने की जरूरत है, परेशान हो जाएंगी। दिल का हल्का फुल्का मसला है, मैडम एंजियोग्राफी करेंगी, बाद में करेंगे, आराम से रहे। ये आपकी ट्रीटमेंट हो रही है। ओए होए होए, मैं लाई थी कलेजी, तुमने खुद खा लिया है। ये बैग है, इसमें से निकाला था, खुद ही खा लिया। वाओ भाई वाओ। मैं जल्दी जल्दी कॉफी पीऊंगी, मैडम का राउंड होगा। पेशेंट, अभी मैंने खुद पेशेंट सारे देख लिए, जो भी इंस्ट्रक्शन थे वो दे दिए, टेस्ट करवा दिए और सारा कुछ कर दिया, नोट्स डाल दिए, सारी चीजें कर दी। उसके बाद अपने कॉपी पे अभी मैडम का वेट कर रहे हैं। मैडम राउंड करेंगे तो फिर जो भी एंजियोग्राफी वगैरह देख लो, जो भी टेस्ट वगैरह अगर फर्दर कहेंगे तो वो करवाएंगे। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ये हमारा छोटा सा ड्यूटी रूम है, फ्रीजर है जो अभी चलता नहीं है, खराब बना हुआ है। एसी शुक्र है चल रहा है, ठंडा है कमरा। ये हमारा लॉकर है, बस गुजारा है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी बातें बाद में करूंगी। आसान, क्या हाल है मैडम? आज आप कहाँ गायब थी या मैं गायब थी? ये मैं बिजी थी, 7 एडमिशंस हुए हैं। तुमसे मिलने को दिल तो करता था, लेकिन बेटी का इम्तिहान हो गया कि नहीं पहले ये बता। तो पेपर हो गया, मतलब एक पेपर होता है, मैथ का, वो तो पढ़ेगी। उर्दू का पेपर हो गया? हो गया। ना, आपकी उर्दू अच्छी, इंग्लिश अच्छी नहीं है। चलो, तुम्हारा इम्तहान के अभी एक पेपर बाकी है, यानी तुम्हारी बेटी का इम्तहान है, तुम्हारा इम्तहान यही है। चलो तुम रिलैक्स हो, यानी बचपन के दिन अभी तक खत्म नहीं हुए। अरे मैडम कब आएंगे ये पता करो। नमाज पढ़ूंगी और नमाज पढ़ के घर से मैडम ने राउंड कर लिया, जो ऑर्डर्स हैं वो दे।
कुछ आराम नीचे जमीन पर।